नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं निष्पक्ष। बिहार में 27,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। औरंगाबाद में कार्यक्रम था और ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस मुस्कान के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मंच पर एंट्री करते हैं। पशुपति पारस जो है उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर आपको एनडीए के लगभग सभी नेता नजर आ रहे होंगे, लेकिन एक कदावर युवा नेता जो है वो मंच से गायब दिखे। देखिए पशुपति पारस जो है वो पीएम मोदी का स्वागत करते हैं। मंच पर आपको नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। मंच पर आपको जीतम राम मांझी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मंच पर चिराग पासवान जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। क्यों नहीं आए चिराग पासवान? बेसिकली इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्या चिराग पासवान की कोई नाराज़गी है एनडीए में? दरअसल बिहार के नेता वीकेंड पर दिल्ली ट्रैवल करते हैं, लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो कि वीकेंड पर बिहार के गाँव गलियों में घूमते हुए नजर आते थे। लेकिन काफ़ी दिनों से चिराग पासवान जो है वो बिहार का दौरा नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली में ही लगातार जमे हुए हैं। इस बीच आज बड़ा दिन था मोदी के, हनुमान जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन हनुमान मंच से क्यों गायब रहे, क्यों नहीं दिखे? जीतम राम मांझी तक दिख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जो है वो मंच पर नजर नहीं आए। देखिए जब मालाएं जो हैं वो मोदी को पहनाई जा रही थी, तो साइड में खड़े थे नीतीश कुमार और पीएम मोदी बड़े प्यार से, बड़े खुशक मिजाज से नीतीश कुमार को अपनी तरफ खींचते हैं मुस्कान के साथ। और देखिए बहुत ही खुशनुमा तस्वीर है ये, और भले ही ये सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन जो है वो पॉलिटिकल गतिविधियाँ इस कार्यक्रम के जरिए खूब जो है वो पीएम मोदी की तरफ से की गई, और एनडीए के लगभग तमाम नेता बिहार एनडीए के वो इस मंच पर जो है वो दिखाई दिया। और सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के तो पीछे खुद समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। देखिए पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और पीछे प्रिंस राज की तस्वीरें जो है वो दिख रही होगी, लेकिन चिराग पासवान नजर नहीं आए, हनुमान नहीं है इस मंच पर इस कार्यक्रम में। अगला कार्यक्रम जो है वो बेगूसराय में होना है, उस कार्यक्रम में भी चिराग पासवान जो है वो नहीं रहेंगे। दिल्ली में है, क्यों नहीं आए औरंगाबाद, क्यों नहीं जा रहे हैं बेगूसराय? क्या चिराग पासवान की अंदर से कोई नाराज़गी है बिहार एनडीए में? अभी खामोशी के दौर से चिराग पासवान जो है वो गुजर रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से चिराग पासवान का कोई कार्यक्रम जो है वो बिहार में लग ही नहीं रहा। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कई कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन चिराग पासवान ने सभी कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया है और कहा जा रहा है कि जब तक अंदरूनी तौर पर बिहार एनडीए में सीट फाइनल ना हो जाए, चिराग पासवान को ऑफिशियली जानकारी जो है वो बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से कन्फर्म न कर दिया जाए इन सीट जो है वो आपकी पार्टी को मिलेगा, तब तक चिराग पासवान जो है वो खामोशी के दौर में ही रहना चाहते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते, वो लोगों से जनसंपर्क भी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि 10 मार्च को शक्ति प्रदर्शन या कहें कि चुनावी बिगुल जो है वो चिराग पासवान वैशाली लोकसभा क्षेत्र से फूकेंगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से दूरी जो है वो चिराग पासवान ने बना ली। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों ने बुलाया नहीं होगा चिराग पासवान को, चिराग पासवान को बुलाया ज़रूर होगा, लेकिन चिराग पासवान ने ज़रूर कोई बहाना बना लिया। देखिए जीतम राम मांझी देखिए कितनी मुस्कान के साथ पीएम मोदी के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिहार के गवर्नर भी खूब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक मिसिंग तस्वीर तो थी इस वीडियो में कि चिराग पासवान नज़र नहीं आए औरंगाबाद के मंच से जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे। बिहार में कौन कौन सी योजनाओं जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कितना लाभ हुआ बिहार के लोगों को, सब कुछ विस्तार से लोगों को बता रहे थे कि हमने करीब 1,00,000 लोगों को मुफ्त, 1,00,000 गरीब महिला जो हैं बिहार में रहती हैं उनको मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, 90,00,000 लोग जो हैं बिहार के आयुष्मान कार्ड उनके पास है, तमाम योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही कहा कि 22,000 करोड़ रुपये जो हैं वो किसानों के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किए गए, ये है मोदी की गारंटी, सब कुछ बता रहे थे। लेकिन बिहार का वो युवा नेता जो कि बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की, वो नेता मंच पर नहीं थे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।